जयपुर के रेंगवाल में कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। पिछले 11 वर्षों से विभिन्न सामाजिक कार्यों से आम जनता के बीच एक विशिष्ट पहचान बनाने वाले रेंगवाल क्लब ने एक बार फिर दिखाया अपना देश प्रेम। देश के केरल प्रांत में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायतार्थ कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। अध्यक्ष डॉ मुकेश शर्मा व सचिव धर्मेंद्र से की युवा टीम ने 4 वर्ष पूर्व कश्मीर बाढ़ पीड़ितों के लिए भी 1 लाख रुपए का चेक भेजा था। इंदौर के उस कवि नरेंद्र अटल, हास्य व व्यंग्य के कवि अरविंद पोटा, उस कवि अशोक चारण, कवियत्री डा रश्मि किरण, हास्य कवि कमलेश शर्मा व प्रख्यात कवि राजेंद्र पनवार ने जहां हजारों लोगों का मनोरंजन कर गुदगुदाने का कार्य किया, वहीं अपना कवि धर्म निभाते हुए देशप्रेम व भाईचारे की भावना को बहाते हुए सैनिकों की शहादत को नमन भी किया। इस मौके पर पुलिस महानिरीक्षक हरिप्रसाद शर्मा, विधायक निर्मल कुमावत, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष जगदीश ककरालिया, प्रधान बबली कंवर, सांगानेर प्रधान कैलाश कुमावत, सांगानेर के पूर्व प्रधान लक्ष्मण हरितवाल, फुलेरा के युवा भाजपा नेता सुरेंद्र प्रजापत, दूदू समाज सेवी मोहन वर्मा, रेंगवाल नगर पालिका के उपाध्यक्ष मुकेश गोयल, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष रामगोपाल गीला, पूर्व अध्यक्ष हरिप्रकाश तोतला, योगेंद्र से शेखावत, महेंद्र दाधिच, सीताराम बासनीवाल, व्यापार महासंघ अध्यक्ष अशोक असावा, रेंगवाल रत्न, स्वर्गीय सत्यनारायण जी तोतला के परिजन संपजी तोतला सहित हजारों लोग उपस्थित रहे। रेंगवाल से विष्णु जाखोटिया की रिपोर्ट। कि घर बार धन लूटा क्या बताऊ, धन लूटा फिर भी ईमान मेरा लूट नहीं पाया है। क्या बात। आज 25 सितंबर 2018 को रेंगवाल में केरल बाढ़ पीड़ितों की सहायता एक रेंगवाल क्लब द्वारा कवि सम्मेलन करवाया गया। इस कवि सम्मेलन में जो भी हमारे अतिथि लोग आए, उन्होंने जो भी सहायता की है उसको हम केरल बाढ़ पीड़ितों के लिए वहाँ केरल सरकार को भेजेंगे। आज के कवि सम्मेलन का जो कवि आए, अशोक चारण जी, जो ओज रस से ओज प्रोत और पूरी रेंगवाल की जनता को इतना बहुत अच्छा कवि काव्य पाठ करके और रेंगवाल की जनता को तालियां बजाने पे मजबूर कर दिया। हास्य के लिए कमलेश शर्मा और कवियत्री श्रृंगार रस की डॉक्टर रश्मि किरण, अशोक पोटा और मंच संचालन कोटा से हमारे जो लगातार हमारे कवि सम्मेलन में आते रहते हैं, ये हमारा 5वां कवि सम्मेलन। हर साल हम 25 सितंबर को रेंगवाल की जनता को हंसने हंसाने के लिए एक कवि सम्मेलन का आयोजन। कवि सम्मेलन समारोह में मंचासीन हमारे सभी मेहमान कविगणों का मैं इस रेंगवाल की धरती पर स्वागत करता हूं पूरी क्षेत्र की जनता की ओर से। आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे सम्मानीय प्रधान जी बहन बबली कंवर जी, आदरणीय आईजी साहब हरिप्रसाद जी और पूरे मंच पे हमारे तोतला परिवार, हरिजी तोतला साहब, गोपाल जी गीला साहब, लक्ष्मण जी हरितवाल साहब, बावर जी सरपंच साहब, सीताराम जी साहब, सेफट साहब, योगेंद्र जी, जगदीश जी ककरालिया साहब, महेंद्र जी दादी साहब, भूखर साहब, श्रवण जी, उपस्थित सभी गणमान्य हमारे अतिथिगण, जो इनका हमेशा काम धनित में रहता है, चाहे ब्लड डोनेशन कैंप हो, चाहे कोई आकस्मिक घटना है उसमें अपनी सेवाएं देने का काम हो, चाहे आज हम बाढ़ पीड़ितों के लिए ये योगदान कर रहे हैं, पहले कश्मीर के लिए भी आपने किया, शहीदों के लिए भी किया। मैं इनकी जो पूरी भावना है और सबको साथ लेने की भावना, ऐसे चाहे राजनेता एक मंच में नहीं आए मगर आज के इस कार्यक्रम में जब भी आप बुलाते हैं करीब करीब सभी राजनीतिक दल के लोग बिना किसी संकोच के एक साथ बैठ सकते हैं, बात